बाहर कैसे हैं? अरे यार, अगर इस विराट के बच्चे ने मुझे प्री के साथ देख लिया तो मेरा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। विराट, विराट, देख सामने मत आ, दूर दूर से बात करना। विराट, तू आगे क्यों आ रहा है? विराट, विराट क्यों इधर, इधर क्यों आ रहा है? जेल से बाहर कैसे आया? बाहर कैसे आया? जवाब दे, बाहर कैसे आया? मेडिकल बेल पे बाहर हूँ। अरे क्या हो रहा है? अबे क्या हो रहा है? बाहर कैसे आया? अरे मैंने बोला ना मेडिकल बेल। अरे बच्चा, अरे मार मार मार, कितना मारता है मुझे? क्या हो रहा है साहब? हाँ सर, हाँ सर। कौन है आप लोग? आपको पता है किसी के साथ मारपीट करने की इजाजत नहीं देता कानून। अच्छा, और एक क्रिमिनल को यहाँ घूमने की इजाजत देता है? अगर ये बाहर है मेडिकल ग्राउंड पे तो हथकड़ी का इसकी कहा है? आप हमें कानून मत सिखाएं मिस्टर। मैं आपको कानून नहीं सिखा रहा हूं सर, अब आपके पुलिस कमिश्नर आपको कानून सिखाएंगे और थोड़ी देर में आपको बता भी देंगे कि मैं कौन हूं। ये चला हमको कानून सिखाने। सिखाना पड़ेगा ना सर, एक कैदी अगर जेल से बाहर है मेडिकल बेल पे, उसके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए, बेड से बंधा हुआ होना चाहिए, किसी पुलिस की निगरानी में होना चाहिए, ऐसे वो बाकी पेशेंट्स की तरह टहल नहीं सकता हॉस्पिटल में। ए, आंखें नीचे कर, घूर क्या रहा है? बिल्कुल सही कह रही है, क्रिमिनल है तू। और आप लोग, कमिश्नर साहब से बात हो गई है मेरी, थोड़ी देर में कॉल आ जाएगा आपको भी और आपको भी डॉक्टर साहब। पर इतनी सी बात की? इतनी सी बात नहीं है ये, आप लोग को अंदाजा भी नहीं है कि इस इंसान ने किया क्या है। ये कोई मामूली लापरवाही नहीं है। और जब कमिश्नर आ जाएंगे ना तब उनको बताना आप, क्योंकि ये आप लोग और ये पुलिस वालों की वजह से हुआ ये सब, तो उसका जवाब भी आप लोग देंगे। अब लेके जाइए, इससे पहले मैं मुंह तोड़ लूंगा। चल ले लो इसे। बंकर, मैं कमिश्नर से फिर से बात करता हूं। हमो, क्या था ये सब? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं मावशी, मैं जाती हूँ, वो हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। हैंडल? वो आदमी मैन हैंडल कर रहा था। मावशी तुझे नहीं पता है पूरी बात, तू मत बोलना, मैं तुझे बाद में सब कुछ समझाती हूँ। तू बैठ इधर। हाँ मैं, तू बैठ दो मिनट इधर, मैं आती हूँ अभी, तू प्लीज बैठ। देवा, इतना वायलेंस, दुबई में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। ये जहान? हाँ। ये वेंडिता और अमू अभी तक आए क्यों नहीं? और अमू को गए हुए तो अब एक घंटा होने को आया। हाँ तो अस्पताल कितना बड़ा है भवानी, अमू को ढूंढने में वक्त लगा होगा। और तेरी ब्रेंडी को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? अरे वेंडिताई, वेंडिताई पता नहीं, हर्षु भी फोन नहीं उठा रहा। तो उसे क्यों कर रही है तू फोन? डॉक्टर है, बिजी होगा किसी का इलाज करने में, तू अमू को फोन लगा, लगा फिर से। एक काम करना, तू ही लगा ना, मैं वेंडिता के लिए ना भजिया बना रही हूँ। वाह, लगा लगा फोन। छे बना रहे? ये विराट, तू कहाँ लेके बैग जा रहा है? जमाई है इस घर का, बैठ जा बेटा। नहीं आंटी, मुझे जाना होगा। मैं चलती हूँ आपके साथ। वेंडी मावशी, आई एम सॉरी, इनकी बहन से रिलेटेड कुछ अर्जेंट काम है। आई नेम मी मू, सब ठीक है, आप ध्यान रखो बस। ए ताई, ज्यादा लगी तो नहीं ना? हाँ आशा जावाई है तुझा, और तूने इसकी एक फोटो भी नहीं भेजी मुझे, पूछ सकती हूँ क्यों? हा? और तूने इसे भेजा था मुझे लेने के लिए, इसे देखते ही इसका कैरेक्टर पहचान गई थी। लुक्स में हीरो, कैरेक्टर में जीरो, बात करने की तमीज भी नहीं है।
इसे छोड़। भवानी, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने अम्मू की शादी इस घटिया इंसान से कैसे होने दी? हाँ जी, एक्सक्यूज मी। माना कि आप दुबई रिटर्न है, लेकिन विराट हमारे घर का जमाई है, उसकी थोड़ी इज्जत कीजिए। लिसन, आपको करना है बहन जी। हैं? माना कि विराट ने बहुत सारी गलतियां की है। उसकी यही तो गलती है, सबसे बड़ी गलती अम्मू से जबरदस्ती शादी। हाँ, उसे एहसास है ना उसकी गलती का, माफी मांग चुका है वो उसकी गलती के लिए, और उसकी गलती को सुधारने की कोशिश भी तो कर रहा है। हाँ, एक सॉरी बोल के। वाओ, नहीं नहीं, भवानी की ढाल बनके, अम्मू का सहारा बनके। वैसे भवानी, तू तो जिस तरह से वेंडी ताई कर रही थी ना, मुझे लगा कोई बड़ी उम्र की औरत आ रही होगी। ये तो तेरी उम्र की है। अरे हाँ, हमारे बीच में ना सिर्फ एक साल का फर्क है, फिर भी ताई हूँ मैं इसकी, बड़ी बहन। और हम दोनों का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, और हमारे रिश्ते में इज्जत भी है। हमारा रिश्ता भी हमारे जमाई के साथ बिल्कुल ऐसा है, बहुत इज्जत करता है वो हमारी। है हीरा है हीरा। मुझे क्यों काला कोयला ही नजर आ रहा है? राजीव का हॉस्पिटल में होना बहुत अजीब था नो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उसके ऊपर जो चार्जेस लगे इतने सीरियस है, फिर वो हॉस्पिटल में से खुला कैसे घूम रहा है? कोई निगरानी नहीं है, कोई हैंडकफ्स नहीं है, ऐसी खुला घूम रहा। बात तो आपकी सही है, मतलब किसी भी कैदी को मेडिकल बेल पे भी इतनी छूट तो नहीं मिल सकती। मुझे लगता है बार जाके कमिश्नर से मिलना पड़ेगा मुझे, और शायद रोज जेल जाना पड़े चेक करने की वो राजीव वहाँ पे है या नहीं है। आपको खुद भी केयरफुल रहना पड़ेगा। हमको ताई बिस्किट खाना। केयरफुल भवानी, यू बेटर बी केयरफुल, तुम्हारी सो कॉल जमाई से देखना चाहिए था उस हॉस्पिटल में कैसे लड़ाई कर रहा था। देवारे देवा, अगर लड़का ऐसा है उसकी फैमिली कैसे होगी? लो जी, जैसे सबकी फैमिली होती है वैसी होगी, और क्या, कुछ लोग अच्छे कुछ लोग बुरे हैं। हमारी फैमिली भी तो ऐसी है ना, क्यों भवानी, कोई अच्छा कोई बुरा। एक मिनट, आप मुझे तो बुरा कहने की कोशिश नहीं कर रही है ना? मुझे ना जी ना, मैं आपको जानती कितना हूँ कि मैं आपको अच्छा बुरा कहूंगी। अच्छा, तो कौन है हमारी फैमिली में घटिया, बताइए। देखो जी, पहली बात घटिया शब्द मैंने नहीं बोला, आपने बोला, वो भी हमारे जमाई विराट के लिए है। और जब अब घटिया पंथी की बात निकली ही है, तो आप हमारे आदरणीय भाई साहब श्री जयेश चिटनिस को कैसे भूल सकते हैं? ये बात तो सही कही।